कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सुभाष प्रसाद यादव ने कोडरमा जिले के दर्जनों गांव का दौरा कर दुर्गा पूजा के अवसर पर हजारों जरूरतमंद ग्रामीण महिला पुरुष के बीच साड़ी लुंगी फलादि का वितरण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित सुभाष यादव जिंदाबाद की नारीबाजी की। इस दौरान राजद नेता सुभाष यादव ने ग्रामीणों को संबोधित कर बताया कि मैं आने वाली छठ पूजा के अवसर पर इसी प्रकार पूरे कोडरमा विधानसभा की जनता के साथ एक सिस्टम और व्यवस्था बनाकर फल और अंग वस्त्र वितरण कर आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने मुरकमनाई टांड के राहुल गोस्वामी के 4 वर्षीय पुत्र शिव कुमार गोस्वामी की हत्या को लेकर उनके आवास पर पहुंचे और उनके परिजनों को धैर्य बंधवाकर आर्थिक मदद पहुंचाते हुए उनके बच्चों की हत्या की के मामले में इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। मौके पर आरजेडी पार्टी के जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, मरकच्चू प्रखंड अध्यक्ष सह प्रखंड प्रमुख विजय कुमार सिंह, प्रखंड युवा अध्यक्ष उदय यादव, प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव, डगनवा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि बीरेंद्र राय, पंचायत समिति सदस्य गोविंद यादव, बालदेव यादव, डॉक्टर सरफराज नवाज खान, सहदेव यादव, दरोगा यादव समेत कार्यकर्ता मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। अब पधारे हैं और यहाँ के लोगों को दशहरा के अवसर पर अंग वस्त्र वितरण कर रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नवरात्रा शारदीय नवरात्रा के अवसर पर कोडरमा वासियों को हार्दिक बधाई। और देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने रोजी रोजगार का धंधा था, ट्रक का सब रोजगार हो या डिबरा का हो या स्टोन चिप्स का हो या ब्लू स्टोन का हो, सभी रोजगार मृत प्राय हो गया है। सबसे पहले तो यहाँ झारखंड सरकार से मांग करेंगे हम कि रोजगार को पुनः स्थापित किया जाए, और नहीं तो यहाँ का लोग जो है एकदम विवश हो गया है, भुखमरी के कगार पर आ गया है। और यदि चालू नहीं करते हैं तो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट का, लोक कल्याणकारी सरकार का यह व्यवस्था करना चाहिए कि लोगों को रोजगार दे। और त्यौहार का जो दशहरा का पर्व है, तो क्षेत्र में भ्रमण के दरमियान हमने देखा कि जनता त्राही माम कर रही है महंगी से, बेरोजगारी से। तो मुझे जो बन पड़ा कि हम लोग दशहरा मना रहे हैं, असली मालिक जो है मेरा उदास है, तो सभी जगह कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में जा करके कुछ कार्यकर्ता के द्वारा, कुछ अपने द्वारा जा करके सब लोगों को हौसला को उल्लासित करने का काम कर रहे हैं, और उन लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं, अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करने का काम कर रहे हैं कि वो लोग समझे कि कोडरमा में कोई हमारा बेटा भतीजा जो है हमारा आवाज़ को सुनने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए और सभी समुचित व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आ गया है। इसी अंतर्गत छठ पूजा तक हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के तरफ से अनवरत कार्यक्रम चालू रहेगा। चूँकि जो छठ व्रत के जो बर्तनी है वो भी अपना छठ व्रत करना चाहती हैं और आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं, अभी पर्व नहीं करना चाह रही हैं, नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे, स्टॉल लगा करके हम लोग सारी फल सूप कलसूल जो छठ पूजा में लगता है, करीब करीब ही तो पूरे क्षेत्र में घूम करके हम लोग वितरण करते करते तबले छठ पूजा पार हो जाएगा। लेकिन प्रखंड वाइज हम लोग इस तरह का व्यवस्था करेंगे और दशहरा भी सभी लोगों का खुशी खुशी से मने, इसी अंतर्गत हम लोग सभी जगह अपने पार्टियों के साथियों के साथ में घूम रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।